नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में सावन के पहले सोमवार के दिन जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की और सावन का पहला सोमवार धार्मिक अनुष्ठान के साथ मनाया गया एवं सभी धार्मिक स्थलों पर भंडारे का आयोजन किया गया, जो सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा, जहाँ सभी भक्तगणों ने भंडारे के प्रसाद को ग्रहण किया एवं भगवान से कोविड को खत्म करने के लिए प्रार्थना की गई। वहीं पूजा अर्चना के दौरान शिव मंदिरों में भक्तों के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां हजारों की संख्या में गणमान्य नागरिक श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिरों में भंडारा कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर से ही शुरू कर दी गई थी, जो शाम तक निरंतर चलती रही। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि आज सावन का यह पहला सोमवार है एवं सभी श्रद्धालुगण अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए धार्मिक स्थानों पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हुए देशवासियों की खुशहाली के लिए भगवान से मन्नत मांगते हैं। जिले में अधिकांश मंदिर प्राचीन समय के हैं, जो हजारों वर्ष पुराने हैं, जैसे मणिबाग शिव मंदिर घने जंगलों के बीच में स्थित है, जहां बड़ी संख्या में जंगली जानवरों की उपस्थिति रहती है एवं प्रकृति का अनोखा दृश्य दिखता है। एवं शांगेश्वर धाम मंदिर भी जंगली क्षेत्र में है और अमलेश्वर धाम शिव मंदिर भी घने जंगलों के बीच स्थित है। इसी प्रकार जिले में अनेकों धार्मिक स्थल हैं। पीस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। सावन का पहला सोमवार है, सभी लोगों ने प्रार्थना की और कोविड को खत्म करने के लिए सभी लोगों हृदय से प्रार्थना की। सभी जिले वासियों को हमारी तरफ और सभी को हृदय से हमारी तरफ से सभी जगह प्रसाद वितरण किया जा रहा है। सभी कोविड का पालन करते हुए प्रसाद ग्रहण सोमवार का पहला दिन है। हमारे यहाँ ये सागेश्वर देव जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, काफ़ी समय से है। आज के दिन यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है, भंडारे का कार्यक्रम होता है और बहुत अच्छा अच्छी जगह है, प्राचीन स्थल है। सभी को सभी आए यहाँ पर दर्शन करें, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। दो सालों से जो महामारी चल रही है, आज सभी लोगों ने यहाँ पर आकर प्रार्थना की कि भगवान भोलेनाथ आने वाले सभी में कोविड को खत्म। ये सावन का पहला सोमवार है जो द्वितीय को पड़ा और अब दूसरा सोमवार पड़ेगा तो नवमी को पड़ेगा, तो ये समस्त देश भर में मनाया जाता है, हर धर्म के लोग मानते हैं। इसमें सभी को अपनी स्वेच्छा अनुसार जो करना और ये जो कोरोना वरोना जो चल रहा है उसी का सबको पालन करते हुए ये सबने किया और इसी तरह चलना चाहिए, इसी तरह करना चाहिए। हमें कोविड भी लगती रहेगी, ये दवाइयाँ जो चल रही हैं तो सरकार लगवा रहा है, तो इसको भी सम्मानपूर्वक लगवाना चाहिए, इसी को बकाए नहीं रहना चाहिए। तो जो कोविड चल रहा है उसी को खत्म करने के लिए सभी भाई लोगों ने, सभी हिंदू धर्म ने प्रार्थना की है भगवान से कि इस संकट से हमको मुक्त। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आज 2021 में कोविड के बहुत साल बाद आज पहला सोमवार जो मंदिरों में बहुत अधिक श्रद्धालु भक्तजन आए हैं और सभी श्रद्धालु मरे जिले में जमी जगह भंडारे का प्रोग्राम और जा रही हवन किए जा रहे हैं और प्रार्थना की जा रही है कि जो कोविड चल रहा है, जो महामारी चल रही है, उसको समाप्त करने की सभी लोगों ने निरंतर मांग की है। पहले सावन सोमवार के अवसर पर जो उमरिया जिले में कोविड का अभी प्रकोप आया, जिससे बहुत जनहानि हुई, महादेव जी से हम लोग यही प्रार्थना किए हैं कि यहाँ की जनता में सुख शांति रहे और कोविड खत्म हो, इस देश से खत्म हो, इस देश में हर जगह शांति मिले और जो आदमी इससे डर रहा है, इससे बहुत सारे काम रुके हुए हैं, बहुत सारा डर बना हुआ है, वो शांत हो। सोमवार भगवान शंकर से सब आशा यही करते हैं, सब भगवान से यही शरणागत होकर प्रार्थना करते हैं कि इस देश से कोविड खत्म। श्रावण का पहला सोमवार है, सवेरे 4 बजे से जो है जनता लगातार बिल्कुल तांता लगा हुआ है और भंडारे का जो है आयोजन किया जा रहा है और जो है जो कोरोना जो लगा है उसका नियम का पालन करते हुए जो है यहाँ से यहाँ जो है जनता आ रही है, जा रही है और जो है जिलेवासियों को एवं नगरवासियों को सावन सोमवार के पहले सोमवार की हार्दिक जो है बधाई दे रहा है। जब भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जो कोरोना महामारी फैली हुई है इससे भगवान जो है हम लोगों को जो है जो उसकी छुट्टी देवा है और जो है हम लोग पुराने जैसे जो है सावन सोमवार हर त्यौहार जो मनाए। लोगों की एक आस्था
जो आस्था होती है एक जाग जाती है। हर सोमवार को पूरे भीड़ों को नियंत्रित करने की लगी हुई है। आप लोग भी सहयोग करिए ताकि कोविड-19 का जो संक्रमण काल चल रहा है इसमें लोग अपने गाइडलाइन को पालन करते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें कि परेशानियाँ दूर, भोलेनाथ के स्थान से भंडारा किया जाए और लोग उसका प्रसाद ग्रहण करें बड़े शांति से। और हमारा उमरिया जिला वैसे भी इतना शांतिप्रिय जिला है जो आस्थावादी और भगवान भोलेनाथ के प्रति सावन सोमवार में वैसे लोगों की ज्यादा आस्था रखें। सभी यहाँ के जो भी जनमानस हैं उनको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले, इसी तरह दर्शन करें, आस्था रखें और खुशहाल अपना जीवन। जहाँ सावन सोमवार था जिसमें कि आज हमारे पूरे नगर के और जिले के जितने भी श्रद्धालु थे उन्होंने बढ़ चढ़कर मंदिरों में अपना दर्शन किया भगवान भोलेनाथ का, और लगभग सभी लोगों ने कोविड-19 का पालन करते हुए भारी संख्या में तो नहीं कहेंगे लेकिन कोविड-19 का स्थानीय जो समितियां थी उनके द्वारा पालन कराकर यह सावन सोमवार का पहला पर्व जो आज मनाया जा रहा है इसमें बढ़ चढ़कर सभी श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। और हिंदुत्व की एक जो पहचान हमारे यह सावन का सोमवार जो आराध्य भोलेनाथ के ऊपर होता है उसी पे आज लगभग जितने भी श्रद्धालु थे उन सबको मेरी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सावन सोमवार के कई देवस्थल से देवस्थलों में भंडारे का आयोजन किया गया है और काफ़ी मात्रा में भंडारे का आयोजन आज हुआ भी है और काफ़ी श्रद्धालुओं के द्वारा यह भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया गया। और साथ ही मैं सभी अपने नगरवासी एवं जिलेवासियों को भगवान से भोलेनाथ से प्रार्थना चाहता हूँ कि सब कुशल रहें, सकुशल रहें और घर में रहें, स्वस्थ रहें। और जो चपा गेट के सामने सभी लोगों से आग्रह है कि आएँ और प्रसाद ग्रहण करें। सभी को सावन मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे इस साल भंडारे का प्रोग्राम रखा गया है जो आज कई वर्षों से चला आ रहा है और महादेव की कृपा से आगे भी चलता रहेगा।